वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली होम्यो और मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है। आज का मेरा टॉपिक है अस्थमा के ऊपर। अस्थमा क्या है, कौन से उसमें साइन और सिम्टम्स होते हैं, किन किन कारणों से आपका अस्थमा जो है वो हो जाता है, और इसके साथ ही साथ हमारी 10 होम्योपैथी मेडिसिन जिसमें से 5 कुछ डाइल्यूशंस हैं और 5 मदर टिंचर जो आपको क्विक रिलीफ देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ अस्थमा के ऊपर। देखिए, अस्थमेटिक पेशेंट हमें ज़्यादातर कंप्लेन विंटर्स में देते हैं, बट आजकल समर में भी जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसके पीछे सबसे मेन कारण क्या है, एक तो वेदर का चेंज होना जिसकी वजह से या तो वो मैक्सिमम टाइम एसी में स्पेंड करते हैं या कूलर में। थोड़ी गर्मी होती नहीं कि वो अचानक ठंडी जगह जाते हैं और उसी में उनकी कंप्लेन बढ़ना शुरू हो जाती है, या वो थोड़ा सा भी एग्जर्शन करते हैं एक्सरसाइज के फॉर्म में या मेंटली तो अटैक आ जाता है। देखिए, सबसे पहले आप ये जाने कि अस्थमा है क्या। जो हमारे लंग्स में एक एयरवे जाता है, अगर वहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, भले वो म्यूकस हो या कोई भी इरिटेट का पार्टिकल जिससे किसी भी पर्सन को एलर्जी है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, वो अच्छे से सांस नहीं ले पाता। आप एक पल के लिए सोचिए कि जब किसी को अटैक होता है तो उस टाइम उसमें उसके लंग्स में क्या होता है। सबसे पहले जो लंग्स के पास की मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो वहाँ का एयरवे होता है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज जाते हैं, और म्यूकस जो है वो इकट्ठा हो जाता है उस एयरवे की लाइन में, ताकि जब वो सांस लेगा तो वो अच्छे से नहीं ले पाता, वो जो म्यूकस है वो उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से जो लंग्स का काम है कि एयर को इन और आउट भेजना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। एक पल के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपको कोल्ड है और आपकी नाक बिल्कुल बंद हो गई है, और मैंने आपको एक स्ट्रॉ दिया है जिसके अंदर लिक्विड और कॉटन दोनों को स्टफ कर दिया, उस स्ट्रॉ के अंदर आपको उस स्ट्रॉ से सांस लेनी है, क्या आप ले पाएंगे? लगभग वैसी ही सिचुएशन होती है जब अस्थमेटिक पेशेंट को अटैक होता है। देखिए, अस्थमेटिक अटैक जनरली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक माइल्ड में और एक सीवियर में। अगर माइल्ड है तो वो कुछ मिनट तक वो अटैक होगा और वो फिर ठीक हो जाएगा, बट अगर वो सीवियर है तो वो क्रॉनिक केसेस में घंटों तक जो पेशेंट है वो उससे डील करता है, और अगर उसे समय रहते हुए इन्हेलर नहीं दिया गया तो उसकी डेथ भी हो जाती है। इसके कुछ साइन सिम्टम आते हैं, जैसे कि उनकी सांस जो है वो शॉर्ट हो जाती है, वो लंबी लंबी सांस लेते हैं और छोटी छोटी सांस लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत होती है उस टाइम। चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और टाइटनेस फील होती है। इसी के साथ साथ उनकी सांस में हमें एक विजलिंग साउंड सुनाई देती है, खांसी होती है, बहुत ज़्यादा कफिंग करेंगे और एक विजलिंग साउंड होती है। उस टाइम की सिचुएशन में उनको एमरजेंसी मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी होता है, इनफैक्ट उनके पास इन्हेलर होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो जाते हैं? देखिए, अस्थमा जो जनरली होता है वो किसी भी एलर्जन से होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ पे डस्ट है या पॉलन है, अगर वो इन्हेल कर लेंगे तब वो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनको पॉलन की एलर्जी है, या अगर किसी के घर में पेट है और उसके फेदर्स से उसको एलर्जी है, तब वो एक ट्रिगर का एक्शन करते हैं और उनका अस्थमेटिक अटैक हो सकता है। ऐसे ही हर पेशेंट का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, एक अलग अलग स्टेज होती है। किसी को विंटर से प्रॉब्लम होती है, किसी को समर से, किसी को डस्ट से, तो किसी को पोलन से। इसी बेस पे हमारी होम्योपैथी भी काम करती है। जैसे जैसे उसके सिम्टम होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए, अगर आपको अर्ली स्टेज में किसी बच्चे को अस्थमेटिक है, अगर वो 5 साल से छोटा है तो वो आपको प्रॉपर साइन सिम्टम नहीं बता पाता, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होती,
इसी के साथ साथ अगर आपको कोई कोल्ड कफ है तो वो 15 से या 20 दिन तक लगातार तो नहीं बना हुआ। अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हैं या खेलते हैं तब आपको सांस लेने में कोई दिक्कत होती है या नहीं। इसी के साथ साथ आपके चेस्ट पे कोई भारीपन या टाइटनेस फील तो नहीं होती। और फिर वो एक टेस्ट करवाते हैं जिसे हम स्पायरोमीटर कहते हैं, उससे पता चलता है कि आपके लंग की कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी एयर को इनहेल कर पा रहा है और किस वॉल्यूम में वो उसको बाहर निकाल रहा है, जिसके थ्रू जो डॉक्टर हैं वो डायग्नोस कर लेंगे कि पेशेंट को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है। इसी के साथ हमारी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी आती हैं जो आपको बहुत आराम देने वाली हैं। सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट में आपको जो एक तरह से रैटलिंग साउंड मिलती है, अगर आप वो बच्चा रूम में सोया है या वो पर्सन रूम में सोया है तो उसकी सांस लेने की जो घरघराहट है वो बहुत लाउड होती है, जो आप इजीली सुन सकते हैं। ऐसा लगता है कि उसकी छाती में बहुत ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा हो रखा है पर वो निकल नहीं पाता। जब वो कोशिश करता है उसको निकालने की तो बहुत थोड़े अमाउंट में वो बाहर आ पाता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में बहुत थकान होती है, बहुत कमज़ोर होता है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। उस म्यूकस की वजह से उसकी आवाज़ में एक भारीपन भी रहता है। जब जब वो खाना खाता है तो उसको कफिंग आ जाती है और उसकी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है। अगर हम उसका पल्स रेट चेक करते हैं तो वो बहुत रैपिड होता है लेकिन वीक टाइप का होता है। उसको अगर वो राइट साइड में सोएगा तो आराम मिलता है। तब हमें एंटीमोनियम टार्ट की 30 पोटेंसी उसको दिन में 3 बार देनी है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है कालीबाई। कालीबाई के जो पेशेंट है उसके में भी म्यूकस बहुत ज़्यादा है पर जो वो म्यूकस है वो एक तरह से स्टिकी है, बहुत चिपचिपा होता है और उसे लगता है कि मेरे गले में यहाँ पे म्यूकस फंसा हुआ है। वो उसको निकालता है, वो जल्दी नहीं निकलता लेकिन जब निकलता है तो वो येलो कलर का निकलता है और उसका एक मेटालिक सा टेस्ट होता है। इसी के साथ साथ उसकी आवाज़ में भी भारीपन होता है जिसे हम हॉरेसनेस कहते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि काली बाई को हम बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं दे सकते हैं। तो जब कभी आपको लगे कि आपके सिम्टम इससे मैच कर रहे हैं तो काली बाई की 200 की पोटेंसी लेनी है और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी 5 डोजेज लेनी है, इससे ज़्यादा इसको नहीं लेना है। थर्ड मेडिसिन जो हमारी आती है वो है ड्रॉसिरा। देखिए ड्रॉसिरा भी बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसको भी हम एक्सेस अमाउंट में नहीं ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका जो कफ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, वो जल्दी निकल नहीं पा रहा और आपको वूपिंग कफ है, तब ये मेडिसिन बहुत काम करती हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको गैस्ट्रिक कंप्लेन है और उस कफिंग में आपको खांसते खांसते बहुत लंबा अटैक हो रहा है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं और वॉमिट आउट हो जा रहा है, तब आपको ड्रॉसिरा बहुत मदद कर सकती है। और ड्रॉसिरा के पेशेंट हमेशा ये ज़रूर कहते हैं कि उनको लगता है कि उनके गले में यहाँ पे कुछ हल्का सा फंसा हुआ है, वो उसको बार बार निकालना चाहते हैं पर वो निकलता नहीं है। और इनका जो ये अटैक है वो ज़्यादातर हमें रात को देखने को मिलता है, जैसे ही वो सोने जाते हैं तो उनको अस्थमेटिक अटैक शुरू हो जाते हैं। ड्रॉसिरा की भी 30 डोज ही आपको लेनी है और ये लगभग 3 डोज, इससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन जो आती है वो है कोका। आपने मैक्सिमम देखा होगा जब आप हिल स्टेशन पे जाते हैं या सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तब आपकी सांस ज़्यादा फूल जाती है, आपको सांस नहीं ली जाती, बहुत शॉर्ट ब्रेथ हो जाती है, इवन आपका जो वॉइस है वो नहीं हो पाती, लॉस कर लेते हैं, तब आपको ये कोका मेडिसिन बहुत मदद करने वाली है। उस टाइम आपको इसकी लगभग 5 ड्रॉप लेनी है थोड़े से गुनगुने पानी में और ये आपको फ्रीक्वेंटली लेना है हर 2 घंटे पे, जब तक आपको आराम नहीं आ रहा, जब तक क्या मैं कहूँ आपकी जो वॉइस है वो वापस नहीं आ रही है तब तक। और इसका एक और सिम्टम है कि ये ज़्यादातर उन पेशेंट में काम आता है जो ज़्यादा एथलीट्स होते हैं या जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उन पर ये बहुत अच्छी सूट करती है। नेक्स्ट आती है हमारी सैम्बुकस। सैम्बुकस का जो पेशेंट होता है उसमें जो कंप्लेन होती है, जो उसका कफ है वो बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, वो सांस नहीं ले पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे अगर आपने सुने हो कि वो रात में उठ जाते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है,
या अगर वो माँ का फीड ले रहे हैं तो नाक पहले से ही बंद है, और दूध पीने के टाइम पे भी जब ब्लॉकेज हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं। उस टाइम जो है सैम्बिकस बहुत अच्छा असर दिखाती है। इसी के साथ साथ अगर आप पड़े हैं और आपको मिडनाइट अटैक पड़ रहा है, अच्छी खासी नींद आई और अचानक आपको अटैक हुआ और आपको उठ के बैठना पड़े, तब आपको सैम्बिकस लेना है 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। इसके साथ साथ हमारी कुछ होम्योपैथी के मदर टिंचर हैं जो आपको थोड़ा जल्दी रिलीफ दिला देंगे। सबसे पहला जो मदर टिंचर आता है वो है हमारा अरेलिया। अरेलिया का मदर टिंचर जो है, अगर आपको लगता है कि आपको कफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और फ्रीक्वेंटली हुए जा रही है, तब आपको इसकी 5 बूंद लेनी है हर 1 घंटे में, और लगभग 1 दिन में आप इसको 5 बार लीजिएगा। नेक्स्ट डे क्या पता आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, ये इतनी अच्छी मेडिसिन होती है। दूसरी हमारी मेडिसिन आती है ब्लाटा। ब्लाटा अगर आपको कफिंग के एक सीवियर अटैक पड़ रहा है और वो रुक ही नहीं रहा है, तब आपको इसकी 5 ड्रॉप लेनी है लगभग थोड़े से गुनगुने पानी में, और ये आपको तब तक लेना है जब तक आपकी कफिंग में आपको आराम नहीं हो रहा, और जैसे ही आपको आराम लग रहा है आपको ये रोक देना है। इसके बाद आपको ब्लाटा की जो हाई पोटेंसी होती है 200 या 1 एम वो लेनी है। अगर आप 1 एम ले रहे हैं तो सिंगल डोज लीजिएगा, अगर 200 की पोटेंसी पे ले रहे हैं तो उसको 3 डोज में आपका रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है वो है कैलेडियम। कैलेडियम में क्या होता है, जब आप सोने जाते हैं तभी अटैक ज़्यादा होता है। जैसे ही आप लेटेंगे आपको सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है और कफिंग शुरू हो जाती है, तब आपको इसकी 2 से 5 बूंदें लेनी है थोड़े गुनगुने पानी में, और आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है वो है इरिडियोकिटोन। इरिडियोकिटोन जो मेडिसिन आती है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी बहुत मदद करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, जब आपको ये अटैक हो रहा है तो सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और आप बहुत कोशिश करते हैं कि उस म्यूकस को निकाला जाए, और जब आप म्यूकस निकालते हैं तो आपको आराम मिलता है, तब आपको ये इरिडियोकिटोन जो मेडिसिन है ये बहुत असर देने वाली है। आपको इसकी 10 ड्रॉप लेनी है 1/2 कप पानी में दिन में 3 बार। लास्ट हमारी मेडिसिन आती है प्लेसिफोरा कंपाउंड। अगर आपको लग रहा है इतने सारे अटैक के बाद एक्जर्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नींद नहीं आती, तब ये आपको बहुत अच्छी नींद भी दिलाएगी और आपको थोड़ा आराम भी देगी, तब आपको इसकी 15 बूंद लेनी है रात में सोने के टाइम खाना खाने के बाद। ये आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही टाइम लेना है और आपको बहुत राहत महसूस होगी। इसके अलावा और कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये कमेंट करके मुझे बताइए। ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।